अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हैं हम जनाब अटक रिफाइनरी लिमिटेड ARL के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, और हमारे दोस्त हैं तारिक साहब। उन्होंने हमें ये टूर करवा रहे हैं अपने किचन गार्डन का। इतना खूबसूरत ये इन्होंने इसको लैंडस्केप किया है और ये एक देखने लायक जगह है, और इसको ट्रांसफॉर्म किया है। और ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं और ये जो लोकेशन है बड़ी ही खूबसूरत है, और ख़ास तौर पे ये जो ऑफिस है इनका। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो आपने इतना खूबसूरत जगह मेंटेन की है जो ARL के अंदर, और ये इतना हॉर्टिकल्चर में, और ये जो आपने किचन गार्डन लगाया है, और जो आपका हॉर्टिकल्चर से मोहब्बत है वो तो रिफ्लेक्ट होती है, तो इस जगह की क्या हिस्ट्री है और ये इतना पुराना कदीम ये इसको प्रिजर्व किया हुआ है, और उसको आप खूबसूरत भी कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? बस शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। एक्चुअली हमारा जो बिज़नेस है वो तो ऑयल रिफाइनिंग का है, लेकिन साथ साथ हम अपने माहौल के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने लोगों को भी इस चीज़ की तरगीब दें कि माहौल को कैसे खूबसूरत रखा जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, और सस्टेनेबल बेसिस पे माशाल्लाह चीज़ों को लेकर चला जाए। अभी आप जिस जगह पर खड़े हैं ये हमारा अटक इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है। आपने कुछ अर्सा से देखा होगा कि हमें ट्रेंड माली नहीं मिलते, ठीक है? ये सेंटर बेसिकली हमने मालियों की ट्रेनिंग के लिए बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे हम मालियों को जो टेक्निकल स्किल्स हैं और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं आजकल हॉर्टिकल्चर में, वो हम उनको सिखाते हैं माशाल्लाह, और अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ से जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं वो डेफिनेटली मुआशरे में जाकर तो अच्छे तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है ये माशाल्लाह, इंस्टीट्यूट ऑफ अटक इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और ये इसमें कितने लोग ट्रेन होते हैं और क्या इनका मतलब ड्यूरेशन क्या होती है? इसको टेप्टा के साथ था पहले, अभी हमने पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इसको रजिस्टर्ड किया है। हमारे एक बैच में 25 स्टूडेंट्स होते हैं माशाल्लाह। तो साल में हमारी कोशिश होती है कि हम 2 से 3 बैच जो हैं वो यहाँ से परफेक्ट जो है उनको ट्रेनिंग दें। इसी तरह हमारी शॉर्ट ट्रेनिंग्स होती हैं जो किचन गार्डनिंग पे होती हैं। किचन गार्डनिंग के साथ साथ हमने जो है वो फ्लावर अरेंजमेंट्स पे, अर्बन हॉर्टिकल्चर पे, और डिफरेंट जो हॉर्टिकल्चर से रेलेवेंट हैं चीज़ें उनके सर ऊपर हम लोगों को 1 day, 2 days, 3 days ट्रेनिंग दी दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आए आपको हम और भी आगे प्रेजेंट कराएंगे। हाँ ये सागवान का दरख्त है जनाब, ये देखें आजकल बड़ा इसका चर्चा है। और ये और इस तरफ आपने हल्दी लगाई हुई है उस कॉर्नर पे, उस एरिया में हल्दी लगी है। और किचन गार्डन है, ये जो बड़े पत्तों वाले दरख्त पौधे कौन से हैं? ये तो ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल ठीक 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 आपको काफ़ी यूनिक किस्म के प्लांट्स नज़र आएंगे माशाल्लाह। और आपने जो मुझे जब दावत दी ना यहाँ आने की, तो आपने जैसे कहा कि आम के दरख्त के नीचे मेरा ऑफिस है, वो तो ऑफिस देख के हमने जनाब जो, और आपका जो बात करने का तरीका बड़ा ही खूबसूरत, और ये आपकी जो है ना नफासत की आपके डिपार्टमेंट की झलकती है, और ये पुरानी बिल्डिंग्स और जो हमारा हेरिटेज है उसके साथ ये खूबसूरत लॉन, ये काबिल दीद है। अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।